सम्मान्य शिक्षक साथियों, चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। साथियों, लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा व्याख्याता संवर्ग से प्रचार हाईस्कूल के पद पर पदोन्नति हेतु छूटे हुए लोक सेवकों की जानकारी मंगाई गई है, जिसके संबंध में हम इस पत्र में अवलोकन करेंगे। आइए, अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। साथियों, जैसे कि पत्र में विदित है कि व्याख्याता संवर्ग से प्रचार हाई स्कूल के पद पर पदोन्नति हेतु जो छूट गए थे लोक सेवक, उनकी जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय ने पुनः फिर बुलाई है। इसी संदर्भ में पत्र का अवलोकन हम करेंगे। पत्र दिया गया है प्रति में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश को, जिसका विषय है कि व्याख्याता संवर्ग से प्रचार हाई स्कूल के पद पर पदोन्नति हेतु छूटे हुए लोक सेवकों की जानकारी प्रेषित करने विषयक। विषय अंतर्गत लेख है कि दिनांक 27/5/2015 को व्याख्याता संवर्ग से प्रचार हाई स्कूल के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जाकर संचालनालय के आदेश क्रमांक स्थापना 1/P/522/2015-16/36 दिनांक 7/1/2016 को प्रचार हाई स्कूल के पद पर पदोन्नति आदेश जारी किए गए थे। उक्त आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में व्याख्याता संवर्ग की दिनांक 1/4/2012 की स्थिति में प्रकाशित अंतिम पदक्रम सूची को आधार बनाया गया था। उक्त पदक्रम सूची अनुसार निम्नानुसार वरिष्ठता वाले व्याख्याता संवर्ग के लोक सेवकों को प्रचार हाईस्कूल के पद पर पदोन्नति प्रदाय की गई थी। देखेंगे इसे दिनांक 1/4/2012 को व्याख्याता संवर्ग की प्रकाशित अंतिम पदक्रम सूची अनुसार निम्नानुसार वरिष्ठता क्रमांक वाले व्याख्याताओं को संचालनालय के उक्त आदेश द्वारा प्रचार हाईस्कूल के पद पर पदोन्नति प्रदाय की गई थी। तो अनारक्षित प्रवर्ग से 1971 पद, अनुसूचित जाति प्रवर्ग से 4,915 पद, अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से 5,443 पद जो है, यदि उक्त वरिष्ठता क्रमांक अनुसार आपके जिला अंतर्गत लोक सेवक व्याख्याता हाई स्कूल से प्रचार हाई स्कूल के पद पर पदोन्नति से वंचित रह गए हों, तो उन लोक सेवकों की वर्ष 2009 से 13 तक की गोपनीय प्रतिवेदन भिजवाएं। यदि वर्ष 2012 की स्थिति में प्रकाशित व्याख्याता संवर्ग की अंतिम पदक्रम सूची में किसी लोक सेवक की वरिष्ठता में कोई संशोधन किया गया है तो वरिष्ठता संशोधन के आदेश की प्रति संलग्न करते हुए जानकारी प्रेषित करें। साथ ही उक्त लोक सेवक संवर्ग को की वर्ष 2012 से आज दिनांक तक कोई न्यायालयीन प्रकरण, विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण, अन्य जांच प्रचलन में है अथवा नहीं है की जानकारी भी उपलब्ध कराएं। उपरोक्त जानकारी दिनांक 10 जून 2022 तक संचालनालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। इस प्रकार का यह पत्र संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल दिनांक 27/5/2022 का यह पत्र है। श्री के द्विवेदी के द्वारा यह पत्र को दिया गया था, जिसकी प्रतिलिपि इसमें प्रष्टांकन के रूप में की गई है। उप सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल को। नंबर 2 में समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश की ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश। इसी प्रकार हम देखेंगे इसमें कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला जबलपुर को भी प्रष्टांकित किया गया है। यह जो है प्रष्टांकन क्रमांक स्थापना 1/2022-50/43 जबलपुर दिनांक 3/6/2022 प्रतिलिपि में इसमें दिया गया है। आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ। उप सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ, समस्त हायर सेकेंडरी प्रचार हाई स्कूल प्रचार को सूचित किया जाता है कि लोक शिक्षण संचालनालय का पत्र क्रमांक स्थापना 1 राज्य अवलिक पी 64/2022 अवलिक 494 भोपाल दिनांक 27/5/2022 के पत्र का अवलोकन करें तथा प्रतिवेदन 9 जून 2022 तक तत्काल इस कार्यालय में जमा करें। जिला शिक्षा अधिकारी जिला जबलपुर। तो साथियों, किसी प्रकार के और नए नए आदेश से संबंधित अपडेट के लिए वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।